बोल अबे तुम बोल चला रहे होगे पी के भाई, मेरी बात सुन। बाइक में किस तरह पियेंगे भाई, कैसी बात कर रहे हैं भाई? तो तुमने ब्रेक मारे, तू 80-80 लाख की क्या बाइक देख रहा है? तो ऊपर है, नीचे दिखा, नीचे दिखा, ये देख। 3 लाख 300 कोई फायदा है नहीं। मेरे को भी सेम चीज लगती है, कोई अच्छी बाइक जो हो ना। फायदा तो Z800 का भाई, Z900 करके है वो कुछ। अबे तो Z900 महंगी है ना, देख ले Z900 कहाँ है? Z900 है भाई 9,10,000 रुपए की। और कहाँ है, कौन सी करता तू? Z800 भाई तो कुछ भी खरीद रहा है। जट हरो जो भाई का भाई, ये सारे तो मोटो व्लॉगर है ना, पर हम लोग भी भाई घुस रहे हैं मोटो। और ये ले लेते हैं कावासाकी भाई, ये तो ठीक है, एक बार हम ख्याल से चला के देखनी चाहिए भाई के। अबे मेरे को भी सेम चीज लगता है कि हम लोगों ने ना अभी तक क्या करा, हम लोग सिर्फ बाइक देखा है, प्राइस ले आए, सीसी वगैरह भाई पता कर आए। मेरे को लगता है कि हम लोगों को एक बार चला के देखनी चाहिए। हम लोगों ने करण भाई की बाइक है, करण भाई पे कौन सी बाइक है? BMW पे S1000 RR। वो कितनी की आती है वो अर्चित? देखना पड़ेगा, देखे जरा भाई। वो तो है कुछ 25-1 लाख रुपए, 1 लाख 25 लाख, 1500 भाई देख रहे फटाफट से भाई। BMW S1000 अच्छा भाई, M1000 करण भाई के पास है, करण भाई के पास है भाई 22 लाख रुपए की बाइक। करण भाई भाई क्या कर, अब G-Wagon भी लेके आने वाला है। बाकी सुनना मेरी बात, तेरे को क्या लगता है अपने पे कौन सी बाइक सूट करेगी? क्योंकि जो मैंने लोगों के कमेंट पढ़े ना भाई, काफी लोग यही बोल रहे हैं कि आप है ना निंजा की Z900 ले आओ, वो बजट में भी पड़ेगी। और बाकी निंजा लगा है, Z900 लगा है, निंजा अपने पे तो हायबूसा सूट करेगी। निंजा है फुली फेड, ओके, और जी सीरीज है नेट मतलब इन द सेंस बाइक की, मतलब उसकी वो नहीं है, सब दिखती है उसमें। अबे तो उस पे कौन सी है, जॉन इब्राहिम पे? जोन एब्राहम पे भी तो बहुत सारी बाइक है। BMW ज्यादा राइड करता है, यामाहा और BM ज्यादा राइड। भाई 21.5 लाख की है वाली। कौन सी? BMW जो करण भाई के पास है। भाई करण भाई की क्या होल्ड करेगा तू? है और नहीं, प्रो M स्पोर्ट तो भाई महंगी है, 26 लाख रुपए की। गाइस सुनो यार, हम लोग है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बस ये दिक्कत है। इतना ना अपना Z800 उठा के ले आएंगे। Z800 कितने की आती है, दिखा तो कैसी दिखती है? डिस्कंटिन्यू हो गई, अब Z900 आती है। तो 800 लाएंगे कहां से? अबे तो लाएंगे कहां से, अब तू कह रहा है? सारी डिस्कंटिन्यू चीजें ही पसंद आती है, क्या कर रहा है भाई? भाई बाकी हम लोग प्लान कर रहे हैं भाई, क्या भाई 200 जो हम लोग आप लोगों ने कमेंट करके बताई थी, 10.5 लाख रुपए कहाँ लिखा है इसका प्राइस ले रहा भाई? 10.5 लाख रुपए की ये है भाई बाइक। तो भाई क्या यार, ले दिन देखी यार, हमने मजा नहीं आया यार, उस पे ना बूटो वाली फीलिंग आती है थोड़ी। भूसा नहीं देख के आए तुम? भूसा कितने की आती है? सेकंड हैंड क्यों भाई, सेकंड हैंड बहुत सस्ती है। कितने की आती है? भूसा नहीं, 20-22 की है। ओके, सेकंड हैंड में तुम्हारे को वही मतलब 1500 की मिल जाएगी। 800 लेंगे ना, 4-5 लाख के तो मैंने भाई देखो, हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और मैं भाई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी हमने ना बाइक चला के नहीं देखी है। सुन ऐसा करते बाहर चलेंगे, या तो करण भाई की बाइक ले आते हैं, करण भाई की बाइक चला लेते हैं। मैं भी यही सोचता था, करण भाई के पास चलते हैं बाहर एक बार, करण भाई से पूछते हैं कि भाई अपनी बाइक दे दो, हम थोड़ा चला वाला के देख ले एक आधी बार, फिर उसके बाद हम लोग प्लान आउट करेंगे कि भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए। ठीक है भाई, एग्रीड है, चले फिर। करण भाई को कॉल कर दूं? चलो चार चल रहे, चले। मैं तो जा रहा हूं। कहां तू कहां जा रहा है? एक फंक्शन है, 25 साल की राय मौसी की। ये नहीं, हमको तो तू बोला कि छोरी के पास जा रहा है, इसके बारे में कौन बोल रहा तो बोल तो रहा, मौसी के पास जा रहा हूँ मैं। हम भी बोले कि काम से जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, फिर मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। भाई मैं तो अपनी मम्मी के कहने जा रहा हूँ, चल तू भी चल। मैंने कुछ कही है? खाना तो तुम खा ही आओगे। मैंने कुछ कही है? मैंने कुछ कही है? या तो करण भाई या तो कोई और जो भी हमको भाई अपनी सुपर बाइक ड्राइव करने को देना चाहे वो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, हम लोग आ जाएंगे भाई तुम्हारी बाइक। जेन्युइन बताना यार प्लीज, है ठीक है, चल रहे भाई फटाफट से बाहर। तो गाइस अब मेरे को ना बाहर जाना, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा धूप है। अब मेरे को पता नहीं तुम लोगों को पता है नहीं, जो साउथ इंडियन कंट्रीज है ना पर्टिकुलरली, वहां एक चीज बहुत ज्यादा यूज होती है टू प्रोटेक्ट एंड टू गिव योर स्किन ग्लास लाइक लुक, और वो है राइस। तो भाई यही रीजन है मैं यूज कर रहा हूँ मामाअर्थ के राइस फेस वॉश और मामाअर्थ का राइस सनस्क्रीन जेल। तो ये मेरा 2-स्टेप रेजीम है भाई जो मैं फॉलो करता हूँ। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना मामाअर्थ का राइस फेस वॉश यूज करना, उससे फेस वॉश कर लेना, अच्छी तरह से साफ कर लो फेस। उसके बाद बाहर निकलने से पहले तो भाई मामाअर्थ राइस सनस्क्रीन जेल अप्लाई करना है। इन दोनों प्रोडक्ट में है गुडनेस ऑफ राइस वाटर एंड नियासिनामाइड
एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डेड स्किन एंड राइस वाटर हेल्प करता है क्लियर ग्लोइंग ग्लास लाइक स्किन प्लस गर्मी में बाहर बिना सनस्क्रीन के जाना मतलब समझो पाप है। तो गाइस इसमें आपको मिलता है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन विद SPF 50 एंड PA++ एंड ये ना जेल है तो ये ना काफी ज्यादा लाइट फील होता है स्किन पे तो कोई भी चिपचिप वाली फील नहीं आती। प्लस ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेड सेट सर्टिफाइड है तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है पैराबिन और सल्फेट भी नहीं है तो इससे आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता प्लस सारी स्किन टाइप के ना सुटेबल है। तो भाई मैंने लिया है ग्लास स्किन रिफ्लेक्शन चैलेंज तो भाई मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपको हर बार बताता हूँ। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो इनकी वेबसाइट से या फिर ऐप से तो वो ऑर्डर लिंक हो जाता है एक पेड़ से। इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का। वैसे तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको Amazon, नाइका और हर जगह से मिल जाएंगे पर अगर आप इनकी वेबसाइट या फिर ऐप से परचेज करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है लार्ज 2023 तो आपको मिलेगा 20% एडिशनल ऑफ। सारी चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लस आपको मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स अपने लोकल नियर बाय स्टोर्स पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई मामा अर्थ का स्टोर दिखता है तो भाई कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि आपने वो कहाँ देखा। अबे बात ये बता किस स्पीड में चल रही थी बता इतनी तेज तो बड़े ब्रेक मारेगा तो लगेगी ना स्पीड में अगर हल्की सी चल रही है तो भाई भाई पी के चला रहे हो क्या गाड़ी अबे तुम चला रहे होगे पी के भाई बात सुन बाइक में किस तरह पी आएंगे भाई कैसी बात कर रहे हैं भाई तो तुमने ब्रेक मारे भाई हमने तो 20 की स्पीड में थे भाई 20 की स्पीड में ब्रेक लगे पैदल चल रहे थे भाई इससे बढ़िया तो बीच रोड पे चलेगा कैसी बात भाई अंधा है क्या यार ब्रेक नहीं है नई गाड़ी लिया दिखता नहीं है एक बार बता तो एकदम ब्रेक नहीं मारे अरे भाई 20 की स्पीड में एकदम ब्रेक मार भी दिया तो क्या हो गया भाई इससे तेज तो चल लेता इंसान ऑटोमेटिक ब्रेक ऑटोमेटिक लैंड बैठ तो तुम्हारी ऑटोमेटिक बैठ कौन है तू बैठ दारू दारू पी रखी है क्या अरे हमने दारू पी रखी है बता देना ठीक है कहीं किसी बहन में हो रहे तू कौन है मैं कोई भी पता लग जाएगी ये जो इसमें लग रही है अब ये फाड़ दिए पेंट उतर गया तुमने ब्रेक मारे एकदम से भाई अरे ब्रेक भाई ने देखा सारे तुमने मारे ब्रेक भाई ब्रेक वाली बात यार भाई अभी इसका ये छील दिया तुमने पूरा ब्रेक तो तूने एकदम मारे ना भाई ये भाई 20 की स्पीड में पैदल चल रहे अपने गाड़ी गांड पे चढ़ा रखी है हां भाई हमारी गलती है या तो थोड़ा पीछे लेके चलो भाई भाई चाहे एकदम ब्रेक मारेगा तो भिड़ेगी तो भाई अरे भाई ऐसी भी क्या दुल जाएगी मैं तो बाइक की मां छोड़ती हूं भाई हमने तुमने भाई तुम्हारी बाइक का तो कुछ हुआ भी नहीं टायर टायर घुसा हमारे देखियो भाई उसकी लाइट फोड़ दी इंडिकेटर फोड़ दिया स्क्रैच मार दिए ये स्क्रैच मार दिया ये स्क्रैच मार दिया फाड़ दी या पेंट आउट कर दिया कि 5000 की बाइक ना तेरी हो और बता भाई 5000 की ना है तो क्या हुआ भाई थारी गाड़ी भी ना है तो फिर 5000 की नई नवेली है तो भाई क्या पता कुछ हमने ना पता भाई गाड़ी के पैसे देगा ना भाई हम क्यों देंगे ब्रेक हमने मारी थमने मारी एकदम इसका अर्जाना कौन भरेगा अर्जाना हम क्यों भरेंगे भाई अर्जाना ब्रेक मारा मैंने मारा ब्रेक तो थमने भी मारे ना भाई भाई तूने तो गाड़ी मारी है हमने तो गाड़ी मार दी सीधा हमने तो ब्रेक मारे थमने गाड़ी मार दी तो भाई घर आ चुके हैं गाड़ी खड़ी कर दी और भाई ये कुछ नुकसान हुआ है ये पीपे हो सकी पेंट उतर गया ये हम लोगों ने अभी ये पूरा यहाँ से जाना मुक्का मार के इसको अंदर करा और भाई यहाँ पे ये स्क्रैचेस आए ये तो अच्छा है कि पीपीएफ के ऊपर है ये बच गए हैं थोड़े से खाम मखा की लड़ाई हट जाएगा ना ये पीपीएफ चेंज करानी पड़ेगी पीपीएफ नहीं लगेगी वो यहां पे और ये क्या हुआ ये तो पेंट आउट हो गया है दोबारा बफिंग अबे यार भाई एक तो वो लोग ऐसे मां कसम अबे पर वो उन्होंने कर दी थी तू तो ढंग से चला लेता मैं क्या करूं व्यू बाइक चल रही है हां व्यू गाड़ी चल रही है यूं ब्रेक मार दिया मैंने पूरी फोर्स से ब्रेक मारे थे ओ भाई उतर के उसके बाद फिर ये भी कह रहे हैं कि तुमने ब्रेक मार दिया हमारी गलती नहीं है और इतने बड़े भाई जिसे कहते हैं ना वो छोटे बच्चे नहीं होते कि हमारी बाइक का पैसा दो उनकी बाइक में एक चीज की खर्चा नहीं आया उनकी सिर्फ टायर टायर पे लगे और जो मडगार्ड होता है उस पर लगी बाकी भाई हमारा ये यहाँ पे भी लग चुकी है ये लग चुका है पूरा ये लग गया है थोड़ा सा ये तो अच्छा है कि हमने पीपे फरा रखे सारे स्क्रैचेज है सारे स्क्रैचेज आए अभी भाई ये हट चुके हैं ये पीपीएफ के ऊपर आइए भाई क्या करना है डालनी पड़ेगी दोबारा पीपीएफ दोबारा पीपीएफ करानी पड़ेगी लाइट लूट तो नहीं टूटी ना लाइट लूट तो नहीं टूटी है बाकी भाई बस एक लाइट टूटी है अपनी जो ये पीछे वाली है
ये लाइट टूटी हुई है, इसको भी सही कराना है, वो भी करना है। लंबी क्या है वो, लंबी डेढ़ा क्या है वो? लंबी डेढ़ा नहीं, लंबी डी भाई। हम लोगों को ये लगता है कि जब से हम लोग लंबी डी हार माइंस गए ना, हमारे साथ कुछ ना कुछ ग्रुप में हो रहा है। एलिस भाई की गाड़ी गई, विनय भाई है उनकी दोनों गाड़ी चली गई, पोपी भाई के जो पता नहीं एकदम से फोन भी, अब बात कर रहा था लंबी डिहार के बारे में, बीच में फोन एकदम से बंद हो गया, जो होता नहीं है भाई। लंबी डिहार माइंस के बाद ना पोपी भाई की गाड़ी का बोनट बैठ गया। कटारा के साथ क्या हुआ? भाई कटारे का थोड़ा नुकसान हो गया था बीच में, एलिश भाई का तुम्हें पता है नुकसान, गाड़ी टूट गई हमारी का, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ चल रहा भाई। जब से हम लोग गए क्या करना चाहिए, भजन कीर्तन का करना पड़ेगा भाई। गए क्यों थे तुम वहाँ पहली बात? अरे हम तो मौज मस्ती में गए थे, हम तो मौज मस्ती में गए थे, हमें लगा थोड़ी ना कुछ होता है भाई। उसके बाद तो जिंदगी पावर, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर जिंदगी भाई उथल पुथल हो चुकी है। बहुत बात क्यों होता है, सिर्फ एनर्जीज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी गाइस अभी थोड़ा मूड खराब है, अभी घर जा रहे हैं, सोते हैं, कल सुबह देखेंगे कि भाई क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना। बाकी भाई उन्होंने एकदम से ब्रेक मार दिया और हो गई फिर वो हमसे ही लड़ाई कर रहे। काफी तो खैर क्या हुआ, वो हो गया क्या कहते हैं उसका आगे का बम्पर है ना, बम्पर पे खरोच आ गई और पीपीएफ फट गई। कुछ नहीं, पीपीएफ करवाएंगे, ज्यादा तो खर्चा नहीं आया खैर। बाकी अरे वो लग गई, क्या करें अब। अरे वो बाइक वाले जा रहे थे दो, उन्होंने एकदम से ब्रेक मारा, अच्छी गाड़ी चला रहा था, उन्होंने एकदम ब्रेक मारा, ने ब्रेक लगी नहीं, वो ठुक गई। आजकल वैसे नुकसान नहीं हो रहा ज्यादा, क्या करें भाई, नुकसान तो हो रहा।